दोस्तों, इस बढ़ती महंगाई के दौर में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो पैसे कमाना नहीं चाहता हो। कई लोग चार पैसा अधिक कमाने के लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं, ताकि बदलते वक्त के साथ वे अपनी जिंदगी सहूलियत और आराम के साथ बिता सके। मालामाल होने के 10 उपाय। एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि आज के इस बदलते युग में जितना भी ज्यादा आप कमा ले उतना ही कम होता है। मालामाल होने के 10 उपाय। कई लोगों की अच्छी किस्मत और हाथों में लक्ष्मी के योग से कमाई भी अच्छी खासी हो जाती है, लेकिन वही कई लोग ऐसे भी हैं जो लाख मेहनत करने के बावजूद भी अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते हैं और आर्थिक रूप से पिछड़े ही रह जाते हैं। अगर आप भी अपनी बदकिस्मती से परेशान हैं और मालामाल होना चाहते हैं, तो आपको निराश होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप भी मालामाल बनने के इच्छुक तो हमारे इस लेख को अंत तक अवश्य ही पढ़िएगा, क्योंकि आज हम आपको मालामाल होने के 10 उपाय बताने वाले हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप भी धनवान बन सकते हैं। झाड़ू का दान देना। झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसलिए हम लोग झाड़ू का विशेष ध्यान भी रखते हैं, जैसे झाड़ू को न लांगना, झाड़ू पर पैर न रखना, झाड़ू सीधी न रखना, दो झाड़ू एक साथ न रखना आदि। ऐसा कोई भर घर नहीं होगा जहां आपको झाड़ू न मिले, लेकिन क्या आपको पता है कि इतनी आसानी से हर जगह उपलब्ध मिलने वाला झाड़ू आपको मालामाल भी बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, सिर्फ एक झाड़ू से आप मालामाल भी बन सकते हैं। इससे जुड़े एक टोटके के बारे में आगे हम आपको बताने वाले हैं, जो आपको रातों रात मालामाल बना सकते हैं। भाग्यवान और धनवान बनने हेतु 10 अचूक टोटके। इसके लिए आपको एक झाड़ू बाजार से खरीद लेना है, जो आपको कहीं भी आसानी से उपलब्ध मिल जाएगा। अब इसके बाद शुक्रवार के दिन सुबह सुबह नहा धोकर लक्ष्मी माता के मंदिर चले जाएं और कनकधारा पाठ करें। इसके बाद एक झाड़ू मंदिर में दान कर दे और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद अशोक की जड़ से गंगाजल लेकर पूरे मंदिर में छिड़क दे। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि आप पर बनेगी और आपके घर पर भी लक्ष्मी का निवास होगा और आप मालामाल बन जाएंगे। धनिया और सिक्के का टोटका। अगर आप भी जल्द से जल्द मालामाल होना चाहते है, तो आगे हम आपको एक ऐसे टोटके के बारे में बताएंगे जिसका पालन करके आप भी पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, जिसमें सबसे पहले आपको 21 रुपए के सिक्के ले लेना है, अर्थात आपको सिक्के ले लेना जो कि पूरे 21 रुपए होने चाहिए। इसके साथ ही आपको साबुत धनिया और मिट्टी का बर्तन भी ले लेना है। अब आपको शुक्ल पक्ष के मंगलवार या गुरुवार के दिन किसी भी मिट्टी के बर्तन में साबुत धनिया और 21 रुपए के सिक्के लेकर मिला लेना है। अब आपको रोजाना इसे पानी देते रहना है ताकि साबुत धनिया उगने लग जाए। इस धनिये को आप खाने के लिए इस्तेमाल करें और सिक्कों को निकाल कर किसी कपड़े में बांध ले और अपने घर के दरवाजे पर लटका दें। ऐसा करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास धन आनी शुरू हो जाएगी और आप धीरे धीरे मालामाल बन जाएंगे। सूर्यास्त के बाद उधार न ले। जीवन में कई बार हम लोगों को कुछ छोटी छोटी चीजों पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, जैसे कभी भी सूर्य अस्त होने के बाद किसी से कुछ भी चीज उधार लेनी नहीं चाहिए। अगर आप भी ऐसी गलती करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसा करना आपको भारी भी पड़ सकता है। कभी भी सूर्यास्त के बाद किसी से भी कोई भी चीज धार न मांगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा कभी मत कीजिए। सूर्य अस्त होने के बाद कभी भी किसी से कुछ भी वस्तु उधार नहीं लेना चाहिए। ऐसा करने से आपको धन की बहुत हानि होगी और हाथ आई लक्ष्मी भी दूर हो जाएगी।
काली मिर्च के टोटके आगे हम आपको एक ऐसी कारगर विधि के बारे में बताने वाले हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप मालामाल हो सकते हैं। इसके लिए आपको काली मिर्च के 5 दाने ले लेना है और 7 बार अपने सिर के ऊपर से वार लेना है। इसके बाद आपको इन काली मिर्च के दानों को लेकर किसी सुनसान चौराहे पर चले जाना है और चारों दिशाओं में एक काली मिर्च के दानों को फेंक देना है। इसके बाद 5वें दाने को ऊपर आसमान की ओर फेंक देना है। इस विधि को करने के बाद आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और आप भी धनवान बन जाएंगे। एकादशी का व्रत रखे अगर आप भी पैसों की तंगी से परेशान है और मालामाल होना चाहते हैं, तो इसके लिए एकादशी का व्रत अवश्य ही करें। एकादशी का व्रत करना धन लाभ के लिए काफी शुभ माना जाता है। इस व्रत को करने से चंद्रमा और शनि ग्रह की काली दशा समाप्त हो जाती है और धन में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाती है। साबुत पानीदार नारियल का इस्तेमाल करें मालामाल बनने के लिए। हम आपको अगली जिस विधि के बारे में बताने वाले हैं, उसके लिए आपको एक साबुत पानीदार नारियल लेने की जरूरत पड़ती है। अब आपको इसे अपने सिर के ऊपर से 21 बार वार लेना है और किसी देवस्थान के कुंड में आग के ऊपर डाल देना है। यहाँ पर आपको बता दे कि ये विधि आप केवल मंगलवार और शनिवार को ही कर सकते हैं। ऐसा आपको 5 बार करना है। इसके साथ ही आप मंगलवार और शनिवार को अगर हनुमान जी का 40 पढ़ते हैं, तो ये आपके लिए और भी ज्यादा उत्तम होगा। इस टोटके को बताए गए नियम के अनुसार 5 बार करने से आपके धन में वृद्धि होती है और आप धनवान बनते हैं। ताला खरीदते समय बरते सावधानी। दोस्तों, ताला एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत हम सभी को पड़ती ही है। कई बार ताला खरीदते समय हम लोग सावधानी नहीं बरतते हैं, अर्थात जब आप ताला खरीदते हैं तो उसे दुकानदार यूं तो बंद की अवस्था में रखता है, लेकिन खरीदते समय हम लोग इसे खोलकर देखते जरूर है। यहाँ पर आपको ताला खोलकर चेक करना ही नहीं है, बल्कि उसे उसी अवस्था में घर ले आना है। और अगर आप चेक करना भी चाहते हैं, तो ये काम खुद न करें, बल्कि दुकानदार को ही करने दे। आपको शुक्रवार के दिन किसी स्टील या लोहे का ताला खरीद लेना है, लेकिन उसके बॉक्स को खोलकर ताला बाहर नहीं निकालना है। शुक्रवार की रात को इस ताले को अपने बिस्तर के पास रख कर सो जाएं। शनिवार की सुबह ताले को बिना खोलकर देखें, किसी देवस्थान पर रख कर चले आएं। अब जब भी कोई व्यक्ति उस ताले को खोलेगा, तो संग ही संग आपकी किस्मत का ताला भी खुल जाएगा। इस प्रकार एक ताला भी आपको मालामाल बना सकता है। नोट और सिक्के करेंगे आपको मालामाल। इस टोटके को करने के लिए आपको 10-10 के 100 अच्छे कड़क नोट ले लेने होते हैं। ठीक उसी प्रकार 40-50 सिक्कों का एक सेट बनाएं। अब इसे अपनी तिजोरी में एक साइड नोट का सेट और दूसरी साइड सिक्कों का सेट बना ले और बीच में नोटों के एक ढेर बनी फोटो लाकर इसे चिपका दे। अब आपको हर रात इसे गिन लेना है और वापस उसी स्थान पर ठीक वैसे ही रख देना है। ऐसा आपको हर रात करना है। ऐसा करने से आपके तिजोरी में और भी अधिक धन बढ़ता चला जाता है और आपको बहुत धन लाभ भी होता है। कपड़ों का धन वृद्धि से संपर्क। दोस्तों, शायद आपको ये जानकर हैरानी हो, लेकिन हमारे भाग्य का हमारे कपड़ों से भी विशेष संबंध होता है। इसलिए कहा जाता है कि कपड़े लेते समय रंगों का खास ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा का संचय करता है, इसलिए किसी भी शुभ काम में काले रंग के कपड़े पहनने की मनाही होती है। महिलाओं को अपने वस्त्रों में पीले रंग का उपयोग जरूर करना चाहिए और पुरुषों को सफेद, गुलाबी और आसमानी रंग के कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा करने से आपके ग्रह दोष कट जाते हैं और आपकी रूठी किस्मत भी चमक जाती है।
कौड़ियों के इस्तेमाल से बने धनवान अगर आप भी अपनी सोती किस्मत को जगाना चाहते हैं और जल्द से जल्द मालामाल बनने के इच्छुक है तो इसके लिए बुधवार के दिन आगे बताई जाने वाली विधि को करें। आपको यह विधि केवल बुधवार के दिन ही करनी है। बुधवार के दिन आपको 7 साबुत कौड़ियां ले लेनी है और साथ ही थोड़ी हरे खड़े मूंग भी ले लेने हैं। अब आपको इन दोनों को मिलाकर एक हरे कपड़े में बांध लेना है और अपने घर के पास मौजूद किसी मंदिर की सीढ़ियों पर रखाना है। ऐसा करने से आपके किस्मत के द्वार खुल जाते हैं और आपके आर्थिक स्थिति सुधरने लग जाती है।